नमस्कार, गुड आफ्टरनून. ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद रिगार्ड्स टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंड आई जस्ट वांट टू मेक कपल ऑफ थिंग्स क्लियर टू द यंगर पीपल, मेन एंड वुमेन ऑफ दिस कंट्री. इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज थ्री लॉज आर. So I'm going to repeat it. The first law destroys the mandi system, destroys the agricultural markets of this country. The second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court. Now, it is very obvious why the farmers are agitated. Because the government is destroying the livelihoods of India's farmers. It is destroying the livelihoods of our labor, and it is going to give the middle class a shock in the coming times, because the prices of food are going to skyrocket. Now, what is being done to the farmers is absolutely criminal. You're beating them, you're threatening them, you're bullying them, you're trying to discredit them. The government needs to talk to the farmers. It needs to give a solution to the farmers. And the only solution, as I have said again and again and again, is repealing these laws and putting the laws into the waste paper basket. The government must not think that the farmers are going to go home. They are not going to go home. And my concern is that this situation is going to spread. We do not need this situation to spread. We need a conversation with the farmers, and we need a solution. So that is broadly what I wanted to say. हिंदी में बता देता हूँ और देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो तीन कानून हैं इनको समझने की ज़रूरत है. पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा. दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3-4-5 बिजनेसमैन, जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं. अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा. और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता. ये तीन कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं, और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय, उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है. सरकार को एकदम इन तीन कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए. और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है. अब आपके आपके सवाल. थैंक यू सर. विल नाउ विल स्टार्ट. यस सर. सिद्धार्थ विल बिगिन विद यू. किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया?
क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पेन को नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। संजीव,